सब लोग अभी गुल्ली डंडा खेल रहे हैं यहीं पे। ये पूरा छोटू भाई का पूरा दुकान है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा भरमार। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, और आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज की शुरुआत में ब्लॉग का कर रहा हूँ अपने घर से, जो कि अभी बैठा हूँ अपने कमरे में। तो दो तीन दिन हो गया भैया, अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ, तो चलता हूँ आज नहाता हूँ, क्योंकि ठंडी के कारण भैया नहाया नहीं जा रहा है। और गाँव में इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, सूखी ठंडी। तो चलते हैं अभी नहाते हैं, उसके बाद जाऊँगा अभी छोटू भाई के दुकान पर, उनके बाइक लेंगे, उसके बाद जाएंगे कहीं पे घूमने टहलने। तो आप लोग को पूरा आज का नज़ारा दिखाएंगे, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग के साथ। चलते हैं अभी नहा के आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस अभी जा रहा हूँ नहाने, फिर नहा के आप लोग दिखाते हैं। जैसे कपड़ा निकाला भैया, बहुत तेज़ ठंडी लग रही है यहाँ पे। तो चलते हैं नहा के, फिर आप लोग को मिलते हैं। तो गाइस अभी मरते मरते बचा ठंडी से, और भैया ठंडी बहुत लग रही थी, अभी देखो भाग सेक रहा हूँ। आ जा आ जा आ जा सर। सो गाइस अभी चाय मिल गई है, अभी ये देख लीजिए। तो चाय पीते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, उसके बाद चलेंगे चौराहे पे छोटू भाई के दुकान पे। चलिए चाय पी के फिर। सो गाइस कपड़ा पहन लिया हूँ और रेडी हो गया हूँ अभी। अभी स्वेटर पहनना है, जैकेट पहनना है। तो चलते हैं अभी खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद आप लोग को मिलते हैं। देख लीजिए कोहरा भाई, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है अभी यहाँ पर। तो चलिए खाना खाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये लड़ाई कर रहे हैं दोनों लोग लगने के लिए। चलो एक दो, दूसरा है, तीसरा। चलिए शेखर की बारी है, चलो मन लग गई। सब लोग गुल्ली डंडा भी खेल रहे हैं बच्चों के साथ। चलो चलो लक्की, तू चले चल 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 ले। चलो मारो जाए खुमे से। सब लोग अभी गुल्ली डंडा खेल रहे हैं यहीं पे घर के बाहर। शेखर है, अनिकेत, लक्की और मैं। अनिकेत पाद रहे हैं भैया, देखो। हाँ देखिए चीकू अभी क्या कर रहा है, मशीन चलाने की कोशिश कर रहा है, चारा काटने वाली। नहीं कट रही चीकू, नहीं कट रही। वहाँ चलाओ, तेजी चलाओ, एक काटो और काटो बेटा, भैंस के लिए काट दो। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ संदीप भाई के घर पे, क्योंकि अभी उनका फ़ोन आया था ना, तो बोले कि मैं अभी कहीं गया नहीं हूँ, और आज दुकान जाते हैं ना मोबाइल सीख रहे हैं इस समय ना, तो बोल रहे हैं अभी दुकान नहीं गया हूँ, तो इसलिए उनके घर पे जा रहा हूँ। चलिए उनके घर पे अभी मिलते हैं आप लोग को, और उनसे भी मिलाएँगे। पहुँच गया हूँ संदीप भाई के घर पर, अभी इधर कोई है नहीं, तो जाइए फ़ोन करता हूँ फिर आते हैं। तो गाइज फाइनली हम संदीप भाई के घर पे पहुंच चुके हैं, और अभी गए थे खेत पर, तो खेत से आए हैं। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत मेहनत करते हैं भाई लोग, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, बंदा मेहनत करता है इतना यार। आँख में पानी आ गया एकदम, देखो धुआं लग रहा है भैया, अब आग सेक रहे हैं हम दोनों भाई। बहुत तगड़ी ठंडी हो रही है यार, वाकई में टेम्परेचर आपको बता रहे हैं कितना है यहाँ का, 12 चल रहा है, 12। लेकिन इतना यहाँ लोग अगर बाइक से चलो तो और ज़्यादा ठंडी लगती है, अगर चले जाओ यहाँ से वहाँ तक का हाथ एकदम कांटा हो। हाँ देखो सेकते सेकते पूरा पीला पड़ गया। तभी लाइट आएगी तो आप लोग को संदीप भाई का सेटअप दिखाते हैं, जो कि घर पे बना के रखे हैं। तो चलिए अभी लाइट आएगी तो आप लोग को दिखाएंगे जरूर। तो दोस्तों अभी मैं घूमते घूमते पहुँच गया हूँ तिवारी बाबा के स्थान पर, जो कि हमारे गाँव के बाहर एकदम पड़ता है, और यहीं पर नवरात्र में मूर्त बिठाई जाती है माता जी की। तो देख लीजिए पूरा स्थान है यहाँ से वहाँ तक, सारे बच्चे यहीं पे खेल रहे हैं अभी। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ चौराहे पे छोटू भाई की दुकान पे, तभी फ़ोन किया था, अभी वो आ रहे हैं, तो आते हैं तो आप लोग से मिलाते हैं। चलिए अभी चल रहा हूँ।
दोस्तों छोटू भाई की दुकान में पहुंच गया हूं। आप देख सकते हैं छोटू भाई अभी अंदर खड़े हैं। हाँ भैया, ये पूरा छोटू भाई का पूरा दुकान है, यहाँ से वहाँ तक पूरा भरमार है। ये छोटू भाई हैं हमारे। मैं दीपक, कॉस्मेटिक सेंटर कांटा चौराहा देवरा कोट मोड़। आप तो हमारी दुकान पे आए, सामान खरीद दें, आपको सही रेट में सही सामान दिया जाएगा। तो चलिए भाई, ये पूरा दुकान का कुछ सीन ऐसा है, एकदम रोड के किनारे है। इधर का भी है सामान कुछ। ये चेयर है छोटू भाई की। अभी हमारे छोटू भाई बर्गर लाए, बढ़िया उसको खाते हैं, गर्मा गर्म बर्गर है। समय को ना गंवाते हुए पहले इसको खाया जाए, फिर उसके बाद आप लोग को बताते हैं कैसा लगा बर्गर। बहुत अच्छा बर्गर बना था, हमारे आशीष भाई बहुत अच्छा बर्गर बनाते हैं और खा के पूरा स्वाद आ गया। और छोटू भाई अभी गए बाहर, तो उनको आने दो, उसके बाद चलते हैं घर, क्योंकि समय होने लगा है ना, 3 बजने वाले हैं, तो घर पे चलते हैं ना, चारा वारा खिलाना है भैंस को। तो चलिए अभी चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने घर पे पहुंच गया हूँ अभी। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो लाइक कर देना, और चैनल से नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।